नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। जनवरी से फरवरी हो गया, लेकिन ना ही भारत हटा और ना ही चीन हटना चाहता, लेकिन लद्दाख और गलवान घाटी में तनाव चरम पर और पारा माइनस डिग्री में चल रहा। इसी बीच दोनों देशों की सेनाएं अपने सैनिकों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही। इसी बीच अपने सैनिकों को बचाने के लिए DRDO ने कमाल कर दिया। आपको जानकारी होगी कि सियाचिन और लद्दाख जैसे बर्फीले इलाकों में तैनात जवानों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती। इसी को देखते हुए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने जवानों के लिए हिमतापक हीटिंग डिवाइस तैयार की। यह ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए सेना का बंकर -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी गर्म रहेगा। आर्मी ने इस डिवाइस के लिए 420 करोड़ का ऑर्डर भी DRDO को दे दिया। जल्द ही इसे बर्फीले इलाकों में ITBP और सेना की पोस्ट पर लगाया जाएगा। DRDO की माने तो ये हीटिंग डिवाइस बैक ब्लास्ट के दौरान निकलने वाली जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड से भी जवानों को बचाएगी। इस जहरीली गैस से जवानों की मौत भी हो जाती। यहां पर ये जानकारी देते चलें कि जब कोई सैनिक लॉन्चर को कंधे या जमीन पर रखकर रॉकेट छोड़ता है तो उसके पीछे से जहरीली गैस निकलती। उस एरिया को ही बैक ब्लास्ट एरिया कहते हैं। हिमतापक इस गैस को एब्जॉर्ब कर लेगी। और क्या खूबियां हैं, आप खुद ही सुनिए। वी हैव डिजाइंड वन इंप्रूव्ड स्पेस हीटिंग डिवाइस दैट इज कॉल्ड बुखारी। सो दिस इज अ बुखारी व्हिच वी हैव डिजाइंड। वी हैव फ्यू पेटेंट ग्रांटेड ऑन दिस। विद दिस वी हैव थ्री इंप्रूवमेंट विद दिस पर्टिकुलरली। फर्स्ट इज दैट द ऑयल कंजम्पशन इज ऑलमोस्ट हाफ। इट्स ए के ऑयल बेस्ड बुखारी। सो ऑयल कंजम्पशन इज ऑलमोस्ट हाफ। So we are able to save 3,650 crore in a year. That is our rough calculation. And secondly, at the high altitude, we are getting a very high speed of wind. With that wind speed, there is a back blast. So with this design, there is no back blast. Even if there is some air is coming to this, we have a three horizontal, it's a double layer. We have a three horizontal plates which can cut the air. So there will be no blast. So it's a blast proof Bukhari. We have transferred this Bukhari to 9 industry for production, and we recently got a order of 420 crore from the army. So it has been inducted as one of the inventory item of army now. Iske sath hi sath DRDO ne local cream bhi taiyar ki. Ye frost bite aur thand se sainikon ko lagne wali choton ko sahi karne mein madadgar sabit hogi. Bharatiya sena ne 3.5 lakh cream order kiye. वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव ने आगे कहा कि ये क्रीम ईस्टर्न लद्दाख और सियाचिन बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए भेजी जाएगी। DRDO के वैज्ञानिक सतीश चौहान ने बताया कि उन्होंने स्नो मेल्टर तैयार किया। इसके जरिए लद्दाख और सियाचिन बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए पीने का पानी मिल सकेगा। ये हर घंटे बर्फ को पिघलाकर 5 से 7 लीटर पीने लायक पानी जवानों को प्रोवाइड कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि सेना के लिए DRDO एक वरदान साबित हो रहा है और भारतीय सेना को दिन प्रतिदिन मजबूत कर रहा है।